नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे एक नए चेकबुक के लिए जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म ये हमने डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लिया है। आप जब चेकबुक या फिर किसी काम के लिए आप ये फॉर्म मांगेंगे तो आपको इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का ही देखने को मिलेगा। तो आप ये फॉर्म कैसे भरेंगे वो हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है इसका इसे भरना बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखिए कस्टमर अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको कस्टमर अकाउंट नंबर लिख देना है और कस्टमर आईडी लिख देना है इन बॉक्स में, ठीक है। इस बॉक्स में लिखने के बाद यहाँ पर क्या है, कस्टमर नेम। तो आप जैसे मिस्टर यूज़ करते हैं, मिसेस करते हैं, तो यहाँ जो भी करते हैं आपको जो है यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, तो ये जैसे नाम लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो एड्रेस चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको न्यू एड्रेस लिख देना है। ये जो बॉक्स है इसमें आपको न्यू एड्रेस लिख देना है और यहाँ पे वो ओल्ड एड्रेस जो आपके ब्रांच में दिया गया है वो ओल्ड एड्रेस लिख देना है। तो हमें ये डिटेल चेंज नहीं करना है, हमें अपना कोई एड्रेस चेंज नहीं करना है, हमें चेकबुक चाहिए। तो चेकबुक के लिए हमें नीचे आना है, नीचे यहाँ पर चेकबुक का ऑप्शन दिया हुआ होगा, देखिए अभी ये देखिए यहाँ पर चेकबुक चेकबुक देख लेते हैं। हमारा चेकबुक का रिक्वेस्ट डालने के लिए कहाँ पे दिया गया है, हाँ ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डी, ये डी बॉक्स है, ठीक है। हमें चेकबुक चाहिए तो हम यहाँ पे बस इसे टिक कर देंगे। बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे टिक करना है, जैसे हमने डी के सामने टिक कर दिया है, बस इतना ही करना है। और अगर आप इनमें से एक ही फॉर्म से अगर आप कुछ और काम कराना चाहते हैं, जैसे आपको एड्रेस चेंज कराना है, तो यहाँ पे न्यू एड्रेस पे जो है आप अपना एड्रेस यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। और ये ओल्ड एड्रेस में जो पहले का एड्रेस है वो डाल देना है। अगर आप चाहते हैं आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाए तो उसके लिए भी जो है यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर जो है लिख देना है और उसके आगे जो है टिक कर देना, जो जो आपको काम करवाना है ना बस उसके आगे टिक कर देना। तो सिर्फ हमें चेकबुक चाहिए तो हमने चेकबुक के सामने जो है टिक कर दिया है। अगर आपको नेट बैंकिंग यूज़र आईडी ट्रांजैक्शन पासवर्ड कुछ भी आपको मतलब बनाना हो या फिर फॉरगेट करना हो तो यहाँ से आप वो रिक्वेस्ट डालने के लिए उस चीज़ को टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे एड्रेस चेंज, चेंज मोबाइल नंबर, यहाँ पे न्यू डेबिट कार्ड पिन सेट करने के लिए भी आपको अब यही फॉर्म भरना पड़ता है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक, तो ये हमारे जो चेकबुक के लिए भी जो यही फॉर्म चलेगा। फिर पे इन बुक रिक्वेस्ट, यहाँ पे जो है इसके लिए भी यही फॉर्म चलेगा, रिक्वेस्ट अकाउंट स्टेटमेंट के लिए भी। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, दो चीज़ लिखना है, नाम लिखना है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। इतना करते ही आपका जो है ये काम हो चुका है कंप्लीट। अब नीचे आएंगे तो नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए नीचे आने के बाद जो है अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको डेट, यहाँ पे कस्टमर सिग्नेचर, जो भी आपका सिग्नेचर है वो डाल देना है। अब इसके बाद जो है आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्म दे देना है आपको अपने ब्रांच में। इतना करते ही अब आपका जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा और कुछ दिन के अंदर ही, लगभग एक हफ्ते के अंदर जो है आपका चेकबुक आपके घर पर बाई पोस्ट भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, पंजाब नेशनल का जो डेबिट कार्ड फॉर्म रिक्वेस्ट है भरना बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल की वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।